हेलो एवरीवन। और जैसे कि आजकल मौसम चल रहा है बारिश का, तो ये मौसम पेड़ों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें पेड़ मल्टीप्लाई होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कड़ी पत्ते के बारे में। ये कड़ी पत्ते का प्लांट मेरा 1.5 साल पुराना है और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये 1 साल पुराना है, पुरानी फोटो है। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है, क्योंकि मानसून चल रहा है और जिसके भी घर में कड़ी पत्ते का प्लांट है वो उसे और घना और अच्छा कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो मनी प्लांट देख रहे हैं, सॉरी कड़ी पत्ता देख रहे हैं आप, ये वही कड़ी पत्ते का प्लांट है और उसमें फ्लावरिंग भी हुई और उसमें मतलब अच्छे से फ्लावरिंग होने के बाद ये सीड्स बन जाते हैं। और देखिए, ये जो आपको दिख रहा है बीच में उधर, वो सीड्स हैं। तो ग्रीन सीड्स आई हुई थी, तो अच्छा खासा प्लांट हो गया था। लेकिन अब देखिए इसे क्या हो गया। एक्चुअली मैंने इसे ऊपर से कट कर दिया है और कट करने के बाद मैं ये 10 दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। छोटे छोटे इसमें शूट्स आ गए हैं। मैंने ऊपर तक कट कर दिया था, यानी कि ऊपर की जो भी लीव्स का सेक्शन था वो मैंने पूरा एज इट इज़ निकाल दिया था कट करके, और सारी पत्तियों को लेके मैंने सुखा दिया है आगे के यूज़ के लिए। अब ये मैं वीडियो बना रही हूँ कट करने के 20 दिन बाद लगभग। तो देखिए, जो छोटे छोटे शूट्स आए हुए थे वो भी अब अच्छे बड़े हो गए हैं, मल्टीपल शूट्स आ गए हैं। यानी कि कड़ी पत्ते का प्लांट जहाँ से मैंने कट किया था उसके ऊपर ही सारी पत्तियाँ थी, पूरा भर गया था। मुझे उतना बड़ा नहीं चाहिए था, मैंने पहले विंडो के बाहर रखा था, पर बढ़ने की वजह से मैंने फिर उसे बैल्कनी में रखा। और बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है फ्लैट्स के घरों में, तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, मुझे घना प्लांट चाहिए, लेकिन छोटा प्लांट चाहिए था। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये सारे कड़ी पत्ते के छोटे छोटे शूट्स आए हैं, कहीं छोटे हैं कहीं थोड़े बड़े हो गए हैं। और नीचे भी आपको बेस में छोटे छोटे कड़ी पत्ते के प्लांट दिख रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे कि वो एक्चुअल में क्या है और कैसे आए हैं। तो ये आप जो बेस में देख रहे हैं, एक्चुअली ये बेबी कड़ी पत्ते के प्लांट हैं और ये बेबी प्लांट्स आए हैं सीड से। जी हाँ, जो इसमें आपको मैंने ग्रीन सीड्स दिखाया था वही सीड्स मैंने इस पॉट में ऐसे ही डाल दिया था। शायद मैं खासकर लगाती तो नहीं आते, और मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बाहर गई हुई थी अपनी मम्मी के यहाँ 20 दिन के लिए, तो उस जब भी मैंने डाल के गई थी। और ये देखिए, इसमें काफ़ी मिनी प्लांट्स आ गए हैं। ग्रीन सीड्स को डायरेक्ट मैंने नहीं डाला था, तोड़ के रख लिया था और ऐसे वो पर्पल, डार्क पर्पल शेड के हो गए थे। यानी कि थोड़ा मैंने ऐसे साइड में ऐसे कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दिया था और बाद में ऐसे ही इस पॉट में डाल दिया था। तो इसमें से देखिए, ये एक सीड है, इसमें से शूट आई है और आप यहाँ पे मल्टीपल देख रहे होंगे, यहाँ पे 4 आपको दिख रही होगी। तो ये तो एक साइड हो गई, और आप ध्यान से देखेंगे तो सीड्स में से ही ये निकले हुए हैं। यानी कि ये कट करने के बाद इस प्लांट में के नहीं है, मतलब इस प्लांट के साइड से निकले हुए शूट नहीं है, ये सीड के हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हुए, थोड़े ये स्टेम जो इसकी थोड़ी मजबूत हो जाएगी तो इसे मैं दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर दूंगी, रीपॉट कर दूंगी, क्योंकि इसे भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होगा और ग्रोथ के लिए। अभी मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स स्ट्रांग नहीं हुई होगी और हो सकता है कि डैमेज हो जाए। इसमें कम से कम 10-12 ये छोटे छोटे मिनी प्लांट्स आए हुए हैं, मैं इनमें इनको दूसरे में ट्रांसफ़र तो करूँगी, लेकिन सारे इतने सारे पॉट्स नहीं बनाऊँगी। हो सकता है इसमें से कोई मर भी जाए, कोई जी भी जाए, लेकिन ट्रांसफ़र थोड़े दिनों बाद मैं ज़रूर करूँगी। इनमें मुझे फर्टिलाइज़र भी देना होगा, खाद देनी होगी, लेकिन मैं इस प्लांट में कभी भी केमिकल वाली खाद जो होती है, मतलब जो खाद मिलती है वो यूज़ नहीं करती हूँ। घर में ही मैं चावल का पानी या दाल का पानी या और भी चीज़ें हैं वो सब मैं मार जो निकलता है वो सारी चीज़ें देती हूँ, क्योंकि अभी इसे खाना है। तो एक तरह से मैं चाहती हूँ कि ये ऑर्गेनिक ही मतलब ऑर्गेनिक प्लांट ही कहलाए। और तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पत्तियाँ, जैसे आप रेडीमेड लाते हैं तो कड़ी पत्ते की पत्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा खुशबू नहीं होती। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, पत्तियाँ थोड़ी छोटी होती है। अभी तो फिलहाल ये नई शूट्स आई हैं इसलिए कुछ ज़्यादा ही छोटी हैं। इसे खाद की और न्यूट्रिशन की भी काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी दिनों से मैंने नहीं दिया है, और भी दूसरे काम में मैं बिज़ी थी तो मैंने ज़्यादा इस पर बहुत
खैर मैंने अपने प्लांट्स को नहीं दिए, जो बात सच है, और क्यों नहीं दिया है वो एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा। देखिए, और ये वाला जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, ये मैंने 25 दिन के बाद ही ये बनाया है, लगभग 30 दिन आप समझ सकते हो, एक महीना हो गया है मेरे कट करने के बाद, और ये थोड़ी और स्ट्रांग हो गई है शूट्स, और थोड़ी बड़ी भी हो गई है। इन्हें आप अगर काउंट करें तो ये इतने ही एरिया में 5-6 शूट्स आपको दिख रहे होंगे, यानी कि 5-6 स्टेम्स आएंगे अगर ये बड़ी हो गई, और छोटे छोटे तो बहुत हैं यहाँ पे, और देखिए ये सब बहुत अभी छोटे हैं, इसके पहले के जो वीडियो में ये जो थे वो और छोटे थे, अब देखिए उसके बाद और भी छोटे छोटे हैं, तो हो सकता है कि जो छोटे छोटे हैं बड़े ना हो और वो छोटे ही रह जाए, लेकिन ये जो स्टेम्स आप देख रहे हैं जो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, ये तो अच्छे से स्टेम्स बनेगी ही, यानी कि आपका प्लांट नीचे से लेके ऊपर तक घना हो जाएगा। पहले तो मैंने सोचा था कि ये वीडियो बाद में बनाऊंगी, यानी कि ये और अच्छे से रिवाइव हो जाए और ये मिनी प्लांट्स को मैं शिफ्ट कर दूं, लेकिन अगर मैं उतना इंतज़ार करती तो शायद मानसून चला जाता और फिर आप बेनिफिट इससे नहीं ले पाते, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया। ये है मेरे सूखे हुए कड़ी पत्ते के पत्ते जो मैंने सुखा लिए थे, ये मैंने धूप में नहीं सुखाए हैं, इसे मैंने हवा में सुखाया है फ़ैन के नीचे, या फ़ैन बंद भी होगा, अब आपके यहाँ बारिश ज़्यादा हो रही है तो ये जल्दी नहीं सूखेंगे, तो हल्का सा फ़ैन चला के आप न्यूज़पेपर के ऊपर या तो फिर कोई कॉटन के कपड़े के ऊपर फैला सकते हैं, धूप में सुखाएंगे तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसके ज़्यादा न्यूट्रिशन भी उड़ जाएंगे और जल जाएंगे आप कह सकते हैं, तो इसे हवा में 2-3 दिन सुखाएं और ये रेडी हो जाएगा। आप एक बार चेक कर लो कि ये क्रिस्प हुए हैं कि नहीं, मतलब 2-3 दिन में कह रही हूँ तो हो सकता है आपके यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से ये थोड़ा टाइम ले कम ज़्यादा, तो आपको हाथ में लेना है और इसे ऐसे चेक करना है, ये कुरकुर आवाज़ करेंगे, क्रिस्प हो जाएंगे, यानी कि ये अब आप प्रिजर्व करके मतलब स्टोर करके रख सकते हो, ये आपका कम से कम 1 साल के लिए चलेगा, ये एक्चुअली ख़राब ही नहीं होता, अगर पानी आपने अच्छे से सुखा दिया है तो ये कभी ख़राब नहीं होगा, बस आप इसे फ्रिज में रख दीजिए एयर टाइट में, और ये आपका निकालिए और यूज़ करिए, थोड़ा निकाल के बाहर रख लीजिए, थोड़ा यूज़ करिए, फिर वापस आप उसे रिफिल कर लीजिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर मिली होगी इस कड़ी पत्ते के बारे में, और अभी आप कड़ी पत्ते के बारे में, प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं, केयर के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें कड़ी पत्ते का अच्छे से डिटेल वीडियो बना हुआ है। जब मैं इस प्लांट को, बेबी प्लांट्स को शिफ्ट करूँगी और इस प्लांट की क्या अपडेट है 1-2 महीने बाद ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।